एक ये किसान है जो दिन रात खेतों में मेहनत करके सबका पेट भरते हैं, इसलिए एक लाइक और एक सल्यूट इनके लिए बनता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित और आज आप सोच रहे होंगे मैं कौन सी लोकेशन में आ गया हूं। तो मैं आपको बता दूं, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो एक हिमालयन लाइफ और एक विलेज लाइफ के ऊपर बनने वाला है। और इस टाइम अक्टूबर मंथ है और कांगड़ा में इस टाइम धान की खेती का काम जोरों शोरों पर है गाइस। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको पूरा धान की खेती का प्रोसेस बताऊँगा। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे खेती को काफ़ी ज़्यादा मान्यता दी जाती है। और आज का भी लोग मेरा उसी के ऊपर है। और आप जानते ही हैं किसान कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। मैं भी एक किसान हूँ, बचपन से खेती करता आ रहा हूँ। बट शायद आप सब सोच रहे होंगे, देख के लगता नहीं है, मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बोलते हैं ऐसा। तो आज की इस वीडियो में आप देख पाओगे कि कितनी ज़्यादा काम होता है खेतों में और कितना ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, और चावल कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसा पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं इस वीडियो में आज। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको खेतों में लेके चलता हूँ, क्या खेतों में ही बैठा हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ का पूरा प्रोसेस बताता हूँ गाइस। इस टाइम आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं खेत। तो आज टारगेट है अपने इन तीन खेतों को काटने का, तो अभी मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। तो भाई जैसा कि आप ठीक मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये है हमारा फार्म हाउस जिसे पहाड़ी में बोलते हैं गराज। और ठीक सामने ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं और अभी यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे। और ये है अपने बैल मिस्टर गोरू राम और मिस्टर कालू राम।
सो गाइस, अभी 6 बज चुके हैं और आज का दिन ख़त्म और काफ़ी ज़्यादा हेल्प की बुआ ने, मासी ने और भाभीयों ने। और ऐसा आपको हिमाचल में ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हिमाचल के लोग, खास करके बिल्लेस के, तो वो फ्री हो गए थे तो फिर उन्होंने हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, अभी आपको एक भी खेत दिखाई नहीं देगा। तो अभी आज 10 खेत हमने काट लिए हैं और अभी निचली साइड रहे वो हमारे कल के लिए 5-6 खेत, तो कल ख़त्म हो जाएगा। और हालत आप देख रहे हैं इस टाइम बड़ी बुरी हालत हो चुकी है और दर्दे वगैरह भी सुबह ही पता चलेगा, बिकॉज इस टाइम बॉडी वार्म अप है और सुबह ही पता चलेगा दर्द वगैरह का। तो अभी मैं आपसे सुबह मिलता हूँ गाइस, तो बाय। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज डे 2 स्टार्ट हो चुका है और कल का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया ही था कैसा था, और दर्दों से बहुत ही बुरे हाल हैं इस टाइम, टांगों में, पीठ में। बट खेतों के काम अक्सर ऐसा होता है, बट 2-3 दिन कंटिन्यू काम करो तो दर्दे वगैरह सारी ख़त्म हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो अभी 5-6 खेत बचे थे हमारे आज के लिए, तो अभी वो हम काटेंगे। तो अभी मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलता हूँ और आज बुआ और भाभी जी भी हैं साथ में हेल्प करने को, तो आई होप 2-3 बजे तक हम फ्री हो जाएं। और आप जो ये पीछे मेरे देख पा रहे हैं, तो ये थोड़ी बहुत सब्जी लगाई हुई है खेतों में हमने, और अभी मैं सीधा आपको खेतों में लेके चलता हूँ गाइस। सो गाइज़, अभी हम फ्री हो गए हैं सारे खेत काट के, फीलिंग वेरी अमेजिंग बिकॉज सबने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हमको, बिकॉज मम्मी मेरे बीमार थे थोड़ा, उस करके हम थोड़ा लेट भी हो गए थे कटाई के लिए, और अभी फ्री हो गए हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा हरी है ये, तो अभी हम कल आएंगे और इसको दोबारा पलटेंगे और धूप लगाएंगे, 2 दिन तक सुखाएंगे इनको, फिर इकट्ठा करके एक जगह रख देंगे और ट्रैक्टर का वेट करेंगे। बिकॉज पहले क्या हुआ करता था, पहले बैलों से, उसको पहाड़ी में बोलते हैं गाना, तो वो बैलों से करते थे, बट अब टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है इंडिया में भी, तो अभी हम ट्रैक्टर का वेट करेंगे और मैं आपको वो प्रोसेस पूरा दिखाऊँगा। और बाकी पंजाब वगैरह में तो आप जानते हैं, वहाँ पर तो ऑलमोस्ट सारा मशीनरी पर ही खेती होती है, बिकॉज़ वहाँ के खेत भी काफ़ी बड़े होते हैं और पहाड़ों में खेत आपने देखा सीढ़ीदार हुआ करते हैं खेत, और यहाँ पे इतनी मशीनरी नहीं आ पाती है, वो छोटे खेत होते हैं। और बाकी मैं आपको बता दूँ तो यहाँ से रोड भी काफ़ी ज़्यादा दूर है, काफ़ी ज़्यादा हमको पैदल आना पड़ता है खेतों के लिए। और गाइज मैं आपको बता दूँ तो अभी 2 दिन हम इनको सुखाएँगे, वेट करेंगे,
फिर उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस पूरा बताऊंगा। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं लेमन, नींबू, काफ़ी कुछ होता है खेतों में। और सो गाइस, अभी मैं आपसे मिलता हूँ। और ये वीडियो में मेरा यही मेन मोटिव है कि आप एक किसान की लाइफ को फील कर पाओ, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। तो आई होप आप मेरे साथ फील कर पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं खेतों में चावल के लिए। अब चावल की वैल्यू आप ज़रूर समझोगे। तो फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज़, अभी बांधने का काम हमारा कंप्लीट हो गया है और अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। थक गए हैं, पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो गई है और काफ़ी तेज़ धूप थी। तो अभी लंच करेंगे हम, 3 बज गए हैं। और उसके बाद इकट्ठी करेंगे, इकट्ठा करके एक जगह रखेंगे। और थोड़ी हमने कल भी इकट्ठी कर ली थी, 5-6 खेत, बट एक्चुअली कल कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो उस करके कल मैं इतना शूट कर नहीं पाया, आज ही कर रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा तबीयत रात को भी मेरी ख़राब रही और हॉस्पिटल भी गया। और फिर सुबह अभी खेतों में हूँ और काम कर रहा हूँ, अभी ठीक हूँ। और अभी आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ अभी लंच करने के बाद। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात को काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो गए थे इकट्ठा करते हुए, और सब भी उठा के एक जगह रखी हमने ये धान, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे तो मैं रात को शूट नहीं कर पाया और थक भी गए थे बहुत ही ज़्यादा। तो अभी हमने इकट्ठा करके एक जगह रख दी है, और पीछे ट्रैक्टर भी आ चुका है, तो अभी सबका वेट कर रहे हैं, सारे आ रहे हैं। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, तो जैसे ही सभी आते हैं अभी 10-15 मिनट में, फिर हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। Thank you.
गाइस अभी हम फ्री हो गए हैं कटवा के, और आप पीछे देख पा रहे हैं पराल, और अपनी भी कटवाई, चाची जी की भी कटवाई और दूसरे चाची जी की भी कटवाई मैंने, और आप ये देख रहे हैं धान। तो अभी इनका भी प्रोसेस होता है आगे, चावल कैसे अलग होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है कंडीशन, तो अभी थोड़ा फ्रेश होके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सो गाइस, जैसा कि अभी आपने मेरे साथ एक हिमालयन लाइफ, एक विलेज लाइफ और एक गांव की लाइफ को देखा भी और फील भी किया, और मैं आपको बता दूं तो इंडिया गांव का देश है, और यहां की इंडिया की आत्मा गांव और किसानों में बसती है, और यहां की 70-80% जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है, और एक वो जवान है जो बॉर्डर पर दिन रात खड़ा रहकर देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, ताकि हम चैन और सुकून की ज़िंदगी जी सके। और एक ये किसान है जो दिन रात खेतों में मेहनत करके सबका पेट भरते हैं, इसलिए एक लाइक और एक सल्यूट इनके लिए बनता है। और गाइस मैं आपको बता दूं तो अभी धान की खेती का काम ख़त्म हो चुका है, और अभी इसके बाद आफ्टर वन मंथ अपना गन्ने की खेती का काम स्टार्ट होगा। और अगर आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर भी ब्लॉग बनाऊँ तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और मैं जल्द ही न्यू वीडियो और न्यू लोकेशन के साथ आपसे जल्द ही मिलूंगा गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।